थैंक यू दीप प्रज्वलित कर 30वीं राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2022 के अंतिम दिन समापन समारोह संपन्न। रविवार को उड़ान इंटरनेशनल स्कूल के विशाल प्रांगण में 30वां राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस का समापन हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। प्रातःकाल वैज्ञानिकों को स्थानीय भ्रमण के दौरान बेगूसराय के प्राचीन नौलखा मंदिर घुमाया गया, जिससे बिहार के विभिन्न जिलों से आए बाल वैज्ञानिकों में प्रसन्नता और उत्साह दिख रहा था। इस राज्य से राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2022 के 50 चयनित परियोजनाओं के साथ सफल हुए। कार्यक्रम का समापन समारोह डॉक्टर अरुण कुमार अध्यक्ष साइंस फॉर सोसाइटी और डॉक्टर सुरेश प्रसाद राय अध्यक्ष स्थानीय राज्य आयोजन समिति की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर राजभर के विशिष्ट गणमान्य एवं विद्वान जन उपस्थित थे। वेबसाइट www.. आज 30वीं बाल विज्ञान दिवस का जो समापन है, तो इस पर क्या अपने संदेश देंगे बिहार वासियों को? संदेश यही है, बेगूसराय ही नहीं, बिहार राज्य के बच्चे वैज्ञानिक बने, अंधविश्वास को मिटाएं, नई नई सोच को डेवलप कर लें, नया नया इन्वेंशन करें और जीवन को उन्नत से उन्नतम स्तर तक ले जाए। जो अभी वाली समस्या है इसका इस बार का मुख्य विषय वही है, इको सिस्टम के द्वारा कैसे स्वस्थ रहें। जैसे कोरोना रूपी महामारी आई, डिस्टर्ब करके चला गया, हमारे बाल वैज्ञानिक उसके प्रति सोचे, इन्वेंशन करें और समाज में जो भी समस्या है उसका समाधान देने का ये कष्ट करे, मेहनत करे, यही कामना है। यहाँ जो चयन होके जा रहे हैं वो राष्ट्रीय स्तर तक जाए, ये शुभकामना है। हमारा बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रहा, ये उड़ान स्कूल का बहुत बड़ा योगदान रहा, खास करके अमित सर का, जिन्होंने सबने कहा, नहीं मैं नहीं कह रहा हूँ अमित सर, सबों ने कहा इनका योगदान अति महत्वपूर्ण रहा सफल बनाने में, जिन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उड़ान स्कूल के सभी कर्मियों जिन्होंने ये सफल बनाया और श्रेय हमको दिया। जय विज्ञान, जय जवान। सर, बाल विज्ञान दिवस के समापन पर क्या संदेश देना चाहेंगे? कटिहार जिले से जो भी आए हैं, 30वीं बाल विज्ञान कांग्रेस 4 से 6 नवंबर 2022 तक उड़ान इंटरनेशनल स्कूल के सामने बेगूसराय में आयोजित हुआ का आज समापन सत्र था। समापन सत्र भी पूरा हुआ। बेगूसराय जिला में ही सबसे पहले RKC में राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ था, उसके बाद 2018 में माउंट सिट्रा पब्लिक स्कूल में बेहतरीन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। माउंट सिट्रा में जो कार्यक्रम हुआ, एक बार फिर राष्ट्रकवि दिनकर का यह जनपद अपने ही रिकॉर्ड को अपनी लगन और मेहनत के बल पर, अपने उत्साह के बल पर तोड़ते हुए उड़ान इंटरनेशनल में इस कार्यक्रम को रखा। मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि 38 में 36 जिले के हमारे लगभग 400 बाल वैज्ञानिक इस कार्यक्रम में शरीक हुए। तकरीबन 100 के आसपास हमारे मार्गदर्शक शिक्षक, 36 हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स, रीजनल कोऑर्डिनेटर्स और राज्य के साइंस फॉर सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार सहित सभी पदाधिकारी भाग लिए। सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रीय स्तर के जो हमारे को चेयरमैन मिस्टर बिहारी चक्रवर्ती जी हैं, उन्होंने भी लगातार 4 दिनों तक यहाँ कैंप किया और पूरे कार्यक्रम के संयोजन में अपनी महती भूमिका अदा की। मैं दिल से राज्य आयोजन समिति के अध्यक्ष होने के नाते, उड़ान इंटरनेशनल स्कूल के निदेशक, प्राचार्य, यहाँ के सभी शिक्षक कर्मचारी, यहाँ के संरक्षक पूर्व विधायक नरेंद्र बाबू, इस जिले के अन्य जितने लोग जो स्मारिका प्रकाशन में भी अपना सहयोग दिए अक्षर संदेश देने में या अन्य माध्यमों से, माउंट लिट्रा की प्रिंसिपल शीतल देवा के साथ साथ जितने भी हमारे बच्चे भाग लिए, जितने भी हमारे शिक्षक यहाँ भाग लिए, उन तमाम लोगों के प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि बेगूसराय जिला ने जो इतिहास रचा है, यहाँ आकर हमारे बच्चों ने अपना शोध पत्र जो प्रस्तुत किया है, वे फिर
इसको जारी रखेंगे, इसे अपना अंतिम शोध पत्र नहीं समझेंगे, वरन राष्ट्रीय स्तर पर जो कार्यक्रम होने जा रहा है उसमें बिहार का नाम रोशन करेंगे, फिर राष्ट्रीय स्तर पर परचम लहराने के बाद इंटरनेशनल लेवल पर जो प्रोग्राम होता है उसमें भी अपनी सहभागिता देंगे, और विज्ञान का यह क्रम जो चल चुका है चलता रहे, ताकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो डिजिटल इंडिया का स्वप्न देखा है, हमारे प्रधानमंत्री और हमारे देश के साइंटिस्ट और अन्य रहनुमाओं ने जो लगातार अपनी लगन और मेहनत के बल पर, अपने मेधा के बल पर।